एपिसोड में वोडाफोन आइडिया स्टॉक को डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है इतिहास में पहली बार कोई स्टॉक 150 करोड़ के ऊपर का वॉल्यूम दिखाया है जो वोडाफोन आइडिया का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रहा था। पास्ट सिक्स मंथ में स्टॉक ने लगभग 110% की तेजी दिखाई। अब एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। सबसे पहला क्वेरी ये बनता है कि सर, व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड दिस रैली? आखिर क्या कारण रहे थे जो ऐसे तेजी दिखी? तो कुछ बड़ा कारण नहीं रहा, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि इक्विटी इन्फ्यूजन एक बड़ा कारण हो सकता है वोडाफोन आइडिया स्टॉक के रॉकेट बनने के पीछे की कहानी। और यहाँ देखेंगे इसके जो प्रमोटर है इक्विटी इन्फ्यूजन को लेकर के जो है कार्यरत है और पिछले लगभग 1.5 साल से इसी न्यूज को हम देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे सर, व्हाट इज इक्विटी इन्फ्यूजन, ये इक्विटी इन्फ्यूजन क्या होता है? तो इसको मैं सिंपली आपको दिखाऊं तो जहां देखेंगे या तो पूरा ही सेल या जो सब्सटेंशियली एसेट्स होता है उसको अनदर कंपनी को सेल करता है, फंड रेज करता है, अपने इक्विटी के बदले जो पैसा लेता है उसको इक्विटी इन्फ्यूजन कहते हैं। जिसमें कोई कंपनी या तो आईपीओ लाता है, जो अनलिस्टेड कंपनी है आईपीओ के थ्रू फंड रेज करती है यानी इक्विटी इन्फ्यूजन करती है, या फिर एक्विजिशन बाय मर्जर विद अनदर कंपनी या किसी और कंपनी को खुद में मर्ज करती है, या अपने पूरे ही कंपनी या फिर उसके कुछ पार्ट्स को बेचती है यानी इक्विटी देती है, बदले में पैसे लेती है, उसको इक्विटी इन्फ्यूजन कहते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 168 करोड़ 88 लाख 19,455 का वॉल्यूम रहा था, 23 लाख बाइंग क्वांटिटी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है, डिलीवरी भी ठीक ठाक गई। और इस समय देखेंगे तो इस स्टॉक के अपडेट्स में जो डिलीवरी है वो भी बेटर है और जो ट्रेंड है वो आउटस्टैंडिंग है। अब इसके चार्ट को देखें तो हमने क्या कहा, एक माइनर रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ जो इस स्टॉक में मुझे दिख रहा है वो 18 to 19 के बीच में दिख रहा है, यहाँ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये हायर हाई हायर लो का एक रेजिस्टेंस है। अब जो 20 के ऊपर की क्लोजिंग अगर इस स्टॉक ने दे दी तो जो टारगेट है पहला 27 और इसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो नियर अराउंड 39 और तीसरा देखेंगे तो 69 से लेकर के 72 तक का टारगेट दिखता है। और लोअर प्राइस से अगर 72 के लेवल्स को अभी भी अगर हम देखें इस लेवल से तो लगभग लगभग देखेंगे तो 300% तक का रिटर्न होता है और मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट 1 ईयर प्लस के लिए लेते हैं और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो 20 के लेवल के ब्रेकआउट को करने दे या फिर 15-14 के बीच में ले, क्योंकि इस समय थोड़ा आपको एक कूल डाउन होने का